घट घट पिया फिर राम हो गया। देखिए मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि जो सवाल आदमी कर रहा है, इस आदमी का नाम है राम। तो हम में तुम में खड़े खम में घट घट व्यापे राम। राम राम का बहुत बड़ा उपलब्धि है। राम बहुत अच्छे इंसान हो। अब सवाल की पहाड़ मत दागो। हमने जो बोला है वो ये बोलेंगे, तो उसे क्यों फुटेज खा रहे हो? और लोग मुझे ही देखने वाले, इनको कोई देखने वाला है? आपके साथ है, आपके साथ है। आशिकी एक ऐसी मूवी है कि इसमें भी बहुत बड़ा संदेश है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, हमारा दुश्मन हम खुद हैं। इसमें हमने एक मैसेज दिया है कि हमारा दुश्मन हम खुद हैं। ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं, इसको खाट पे नहीं बैठने दो, इसको यहाँ मत बैठने दो, इसका छुआ हुआ पानी मत पियो। पाकिस्तान तो सिर्फ अटैक करता है यार, लेकिन हम इंसान जो एक दूसरे पर अटैक करते हैं वो बहुत बड़ी है, वो दर्द देती है हमें। हमें आज़ादी सिर्फ जुबान से मिली है सर, हम अपने नेचर से आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। हमें हर वो जात, किसी जाति का हो, आज लोग कहते हैं कि फलानवा उस जात का है, फलानवा उस जात का है। सर हर जाति का उपलब्धि है। हमारे शादी जब होती है तो देखिएगा, किसी के मानर का उपलब्धि है तो किसी के डाला का उपलब्धि है, तो किसी के कलसे का उपलब्धि है, तो किसी के फूल का उपलब्धि है। तो हमारी जब शादियां होती है, हमारे घर में जब पूजा होता है ना, तो उपलब्धियां समझ में आती है कि हमारे यहाँ लोगों की उपलब्धियां क्या है। वो मानर जब आपके घर में बजाने आता है तो वो अछूत नहीं होता। वो डाला लेकर जब आपके घर में आता है तो अछूत नहीं होता। आपके साथ अगर बैठ कर खाना खा लिया तो वो अछूत हो जाता है। ये इसी समाज को बदलना है हम लोगों को। हमें कोशिश है, हमारी आशिकी वही है। हमने आशिकी को ऊंचा ही रखा है। आशिकी सिर्फ एक लड़की के लिए लेके, एक लड़की को लेकर और पूरे समाज को आदमी बदल दे, आशिकी सबसे बड़ी तो वही होती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि हाँ अपने प्यार के लिए पूरे समाज को छोड़ दो। प्यार वो सक्सेस होता है जो पूरे समाज को लेकर चलता है, जो कल्चर को लेकर चलता है, जो विधियों के साथ चलता है, जो समय के साथ दौड़ता है, उसको आशिकी कहते हैं। आशिकी का मतलब ये नहीं कि हम किसी लड़की के पीछे अपने जीवन को कुर्बान कर दे। नहीं, सॉरी, आशिकी करना है तो अपने माँ बाप से करो। लड़की छोड़ के जाएगी तो शायद आपको फिर दोबारा कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। माँ छोड़ के चली जाएगी तो शायद दुनिया में माँ नहीं आएगी, वो बाप नहीं आएगा। बेटा पैदा हो सकता है, बाप पैदा नहीं हो सकता। तो मुझे कहना है कि आशिकी करना है तो अपने माँ बाप से करो, अपने समाज से करो, जिस समाज को देखकर आप दौड़ना सीखे हो, जिस समाज को लेकर आपने कुछ करने की इच्छा ठान सकी है। अगर देखिए, अगर भगवान की उपलब्धि हमारे समाज की वजह से ही होती है, हम अगर पत्थर को भी विश्वास में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, कि हम पत्थर में भी विश्वास ढूंढ लेते हैं और हम जिंदा आदमियों में विश्वास नहीं आ पाता है। तो ये हमारी अपनी उपलब्धियां है कि हम विश्वास जताना नहीं चाहते हैं। एक पत्थर को भी हम मूर्ति के रूप देकर और उसको पूजनीय बना देते हैं, लेकिन हम कभी पूजाने का काम नहीं कर पाते हैं। जबकि हमारे पास सोचने की भी शक्ति है, समझने की भी शक्ति है, हमारे पास समाज भी है, हमारे पास हथियार भी है, लेकिन फिर भी हम भगवान के स्वरूप अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। भगवान राम क्या थे? भगवान राम एक इंसान के रूप में आकर उपलब्धि पैदा कर दी और पूरे दुनिया पे एक कहानी लिख दी। वो चाहते तो शायद कई सारे राजा को लेकर और रावण पे धापा बोल सकते थे, रावण के साथ लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजाओं को साथ में नहीं लिया, उन दलित लोगों को लिया, उस समाज को लिया जो असहाय थे। तो जब राजा राम यहाँ से अयोध्या से गए तो सिर्फ राम थे, लेकिन जब विजयी होकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, क्योंकि उन्होंने शबरी का भी झूठा बैर खाया, उन्होंने बाली को अपने साथ में नहीं लिया, उन्होंने सुग्रीव को लिया। तो असहाय लोगों के साथ जब भी आप अपने जीवन में चलाइएगा, आपकी एक अलग उपलब्धि होगी, क्योंकि इमोशन उसी के पास है, उसी के पास प्यार है, उसी के पास मोहब्बत है। अमीर के घर पे जाइएगा तो पानी लाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है सर, गरीब के घर पे जाइएगा तो चटाई लेकर डायरेक्ट थाली में अपना दाल भात चावल मिल जाएगा और खा के निकल जाइएगा, क्योंकि उनके अंदर वो मोहब्बत भरी हुई है, उनके दिल में आपके प्रति श्रद्धा है कि आप उसके घर पे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लिट्टी चोखा को भी इसी तरह पिरोए हैं। आज नहीं तो कल ये समाज उस दिशा पे जरूर जाएगी, और अगर 10 लोग भी गए तो शायद पीपी के तो ये उपलब्धियां हमारे लिए बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 10 लोग अगर इस सिनेमा को देखकर सुधर गए और उस रास्ते पे अपने आप को लेके चले, तो बाबा मोशन पिक्चर्स जो भी फिल्म बनाती है वो एक संदेश लेकर जाती है। हमारी पिछली
मैं शुरुआत में किया था डमरू किया था, चैनल पर नंबर वन भक्ति और भगवान की। आज के परिवेश में भी ईश्वर को आना ही पड़ता है, अगर भक्ति में शक्ति है तो। सर एक बात बताएं, भगवान से बढ़कर भक्त होता है, वही दिखाया था डमरू में, वही था। भगवान से बढ़कर भक्त होता है, क्योंकि भक्त तो सिर्फ पुकारता है, आना तो भगवान को ही पड़ता है, आना भगवान को पड़ता है। भगवान के पास हम नहीं जाते, हमारे अंदर इतनी भक्ति होती है, इतनी उस भक्ति में शक्ति होती है, क्योंकि भगवान एक बताता हूं, जब राम सेतु बन रहा था ना, राम सेतु जब बन रहा था तो श्री राम लिखकर हर पत्थर पर सारे गण जो थे, सब हनुमान के जितने सुग्रीव से लेकर जितने बंदर भालू जो भी थे, सब लोगों ने श्री राम करके पत्थर को डालते थे और वो पत्थर तैरने लगता था। तो राम ने भी बोला, यार सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी कुछ कर ले। तो उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और ऐसे छोड़ दिया, जैसे भगवान राम ने उस पत्थर को छोड़ा, वो पत्थर डूब गया। तो फिर हनुमान से पूछे कि हनुमान आप लोग जब पत्थर छोड़ रहे हो तो वो तैर रहा है, मैं छोड़ रहा हूं तो डूब रहा है। तो हनुमान बोले कि भगवान जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। तो क्योंकि हमारी आस्था उस राम में है, हमारी विश्वास उस राम में है, उस नाम में है, हम पत्थर को उस नाम और विश्वास के साथ छोड़ते हैं प्रभु। लेकिन आप किस विश्वास से छोड़े? तो वही बातें हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है जो हम भगवान को भी अपने पास बुला सकते हैं सर, लेकिन हम उतनी तपस्या करना नहीं चाहते। हम अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने समाज में उलझ जाते हैं, वो झगड़ा, वो तकरार, वो समाज का है, इस समाज का है, ऐसे समाज का है, वहां करता है, ये करता है, वो करता है। तो हम इस दुनिया को समझने में टाइम लगा देते हैं। कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको समझने में टाइम लगाए, और जिस दिन दुनिया आपको समझना शुरू कर देगी उस दिन आपका भी एक स्वरूप होगा और आपका भी एक स्थान होगा। हम दुनिया को समझने में टाइम लगाते हैं, नहीं आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे कर्मे और अच्छे विचारधारा के साथ दुनिया को लेके चलो, शायद दुनिया कल से आपको समझना शुरू कर देगी, और जिस दिन आपको समझना शुरू कर देगी आपका एक अस्तित्व बन जाएगा। नहीं तो एक लिट्टी बेचने वाला है, पानी में लेके दूध बेचने वाला आदमी भेज गया लाई रही। हमने खुद को समझा और अपने आप को लेके चला और सबको जोड़ के चला। आज भी मैं जब से पैदा हुआ हूँ भाई, जब से मेरे जितने दोस्त हैं आज भी मेरे साथ हैं, किसी को मैंने छोड़ा नहीं है, उनके दुख, उनके सुख। और आज भी मुझे याद है, स्कूल के मेरे सारे सारे दोस्त मुझे याद है, और सारे आज भी फोन करते हैं मुझे, और आज भी मेरी बातें होती हैं उनसे। आपके पास कितने पुराने दोस्त हैं और कितने पुराने वर्कर हैं, इसी से आपकी व्यक्तित्व पता चलती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। तो वो बहुत जरूरी है सर, हमें जोड़ कर लेकर चलना चाहिए समाज को। हम तोड़ने के काम ना करें, जोड़ने का काम करें, क्योंकि देखिए जुड़ा हुआ चीज हमेशा मजबूत होता है, टूटा हुआ चीज बिखर जाता है। तो हमें समाज को जोड़ना है, और किसानों को मैं सरकार से अपील करता हूँ कि किसानों के दर्द को समझिए सर। जिस दिन वो त्याग पे आ गए ना, तो शायद दो रोटी हमारे लिए नसीब नहीं हो पाएगी। तो हमारे जीवन के सबसे बड़े अगर कोई हीरो है तो वो किसान है, और किसानों के दर्द को हर उस सरकार को समझना चाहिए। लव यू, जय जवान जय किसान। कल RDC भोजपुरी पे सुबह लिट्टी चोखा का ट्रेलर देखिए, और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ लिट्टी चोखा देख के आपको बिल्कुल लिट्टी चोखा का स्वाद मिलेगा, और बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी चोखा का। और पगले कल 10 मिलियन होना ही चाहिए। हाँ, इतिहास बना दो मेरे भाइयों, रच दो इतिहास, तोड़ दो इतिहास, एकदम अलग इतिहास बनाओ उसका, लिट्टी चोखा का। और बाबा मोशन फिल्म को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू सर। प्रदीप भैया बड़े अच्छे इंसान थे। हमारा हमेशा कबाड़ा कीजिएगा। पहले हैं और रहेंगे। पहले पूरा क्लियर सुनिए। थैंक यू। क्या पदम भैया? जी जी। यही ना, ये झुला जाते हैं। हमारे पीछे पड़े नजर। लव यू ऑल ऑल। लव यू। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.